हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने गैलरी के अंदर एल्बम कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, गैलरी ओपन करके आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन है एल्बम, तो आपको सिंपली एल्बम पे क्लिक करना है। एल्बम क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा एल्बम क्रिएट है पहले से। तो अगर आप चाहते हैं एक न्यू एल्बम क्रिएट करना, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपली आपको एल्बम वाले ऑप्शन में जाना है। एल्बम वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ऊपर में दिख देगा 3 डॉट, तो आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट एल्बम का, तो आपको सिंपली क्रिएट एल्बम पर क्लिक करना है। क्रिएट एल्बम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से अपना नाम डाल सकते हो एल्बम का, जो भी नाम रखना चाहते हो। चलिए हम राहुल कुमार रख देते हैं एल्बम का नाम। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लोकेशन, नीचे में दिख रहा हो इंटरनल स्टोरेज, इस पर क्लिक करना। एसडी कार्ड है, अगर आप एसडी कार्ड में रखना चाहते हो एल्बम को तो एसडी कार्ड में कर देना, अगर आप चाहते हो इंटरनल स्टोरेज में तो इंटरनल स्टोरेज करने देना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट, तो आपको सिंपली क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका एल्बम क्रिएट हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं एल्बम कहाँ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एल्बम आ चुका है मेरा। अभी इसमें अभी कोई भी इमेज नहीं है। अगर आप इसमें इमेज डालना चाहते हो तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऐड का ऑप्शन, तो आपको सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अदर एल्बम का इमेज इसमें डाल सकते हो, या तो फिर आप इमेज में जा करके यहाँ से जो भी इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करके, चलिए हम कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन दिख जाएगा डन का, तो आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक मूव का ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा कॉपी का। कॉपी कीजिएगा तो वो एल्बम जो रहेगा कैमरा में जो था मेरा पिक्चर वाले में, पिक्चर में भी रहेगा और इसमें भी आ जाएगा। अगर मूव करना चाहते हो तो वहाँ से सारा जो इमेज था मेरा इसमें मूव हो जाएगा। तो चलिए हम अभी कॉपी कर देते हैं। कॉपी करने के बाद आपका इमेज अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसमें कॉपी हो रहा है एल्बम में। चलिए हम कॉपी होने देते हैं, आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है। तभी इसमें एक भी इमेज नहीं था, अभी इसमें 8 इमेज आ चुका है। चलिए आपको हम ओपन करके दिखाते हैं, आप देख सकते हो जो जो इमेज हमने उसमें से कॉपी किया था यहाँ पे सारा इमेज आ चुका है। इस टाइप से आप अपना एल्बम खुद के नाम का या अदर नेम से क्रिएट कर सकते हो, और उसमें जो स्पेसिफिक आपका फ़ोटो होगा या वीडियो जो होगा, जो भी आप डालना चाहते हो उसमें, आप सेव करके रख सकते हो उसमें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इससे रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।